स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर. दिस इज़ अ वीडियो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड दिस इज़ योर बुक्स कवर अविका, हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग चार. स्टूडेंट्स, आपने अपने इस बुक में चार लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और पांचवा लेसन है आपका वाणी की मिठास, जिसको आपने रीडिंग कर ली है और उसका शब्द अर्थ समझ लिया है और संग ही संग इसके एक्सरसाइज भी आपने पूरे कर लिए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्न उत्तर पर. सॉरी, तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं. आपको अपने शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर दो चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये आप याद रखिएगा. और बाकी सारे जो एक्सरसाइज हैं वो आपके अपने बुक में ही रहेंगे. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्कूल से ये बुक खरीद दी होगी. प्लीज़ ईयरफोन का प्रयोग कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से सुन सकें और इस लेसन को और चीज़ को जो पढ़ाई जा रही है उसको समझ सकें. पेज खोलिए, पेज नंबर 24, और चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर. पहला प्रश्न है आपका, शिष्यों के जवाब से असंतुष्ट गुरुजी ने सच्ची मिठास किसे बताया है. पहला प्रश्न है आपका, शिष्यों के जवाब से असंतुष्ट गुरुजी ने सच्ची मिठास किसे बताया है. इसमें जो लिखा है आप उस उत्तर को नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ आपके थोड़े से समझने के लिए जो मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ वो लिखना है. और आपका उत्तर शुरू होता है, शिष्यों के जवाब से असंतुष्ट गुरुजी ने सच्ची मिठास मीठी वाणी को बताया है. फिर से सुनिए, शिष्यों के जवाब से असंतुष्ट गुरुजी ने सच्ची मिठास मीठी वाणी को बताया है. प्रश्न ख, गुरुजी का सबसे पहला वाला शिष्य क्या लेकर आया. ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, गुरुजी का सबसे पहले वाला शिष्य गन्ना लेकर आया. प्रश्न सुनने के बाद सभी शिष्य अपने अपने मन में क्या सोच रहे थे, ये है आपका प्रश्न तीन. प्रश्न सुनने के बाद सभी शिष्य अपने मन में क्या क्या सोच रहे थे. सभी शिष्य मन में अनेक मीठी चीज़ों के विषय में सोच रहे थे. उत्तर सुनिए, सभी शिष्य मन में अनेक मीठी चीज़ों के विषय में सोच रहे थे, ये जो लिखा है वो सही है. नंबर घ, गुरु जी ने अपना योग्य शिष्य बनाने को किसको कहा. फिर से, गुरु जी ने किसे अपना योग्य शिष्य बनाने को कहा. और आपका उत्तर होगा, गुरु जी ने कहा जो मेरी परीक्षा में, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखेंगे, गुरु जी ने कहा, छोटा सा डैश लगाएंगे, जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही मेरा योग्य शिष्य बनेगा. जो मैं गुरु जी ने कहा डैश, जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही मेरा योग्य शिष्य बनेगा. आखिरी प्रश्न, गुरु जी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए क्या प्रश्न पूछा. उत्तर होगा आपका, गुरु जी ने प्रश्न पूछा डैश, यह बताओ सबसे मीठा क्या है. गुरु जी ने प्रश्न पूछा, यह बताओ सबसे मीठा क्या है. इस तरह से आपका यह प्रश्न उत्तर ख़त्म होता है और उसके संग संग ही ये आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है. अगली वीडियो में लेसन सिक्स को हम शुरू करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.